देखो बड़ी वड्डी गल ये है कि मैं जो लगे कि जो एक कलंक देश के मत्थे ते जब तक मिटन का नहीं वो मिटन तरीका एको है कि हिंदुस्तान की अपनी पार्लीमेंट में यह मता रखा जाए जो कि मैं एज एम पी पार्लीमेंट रखा सी वो फिर पेश नहीं हो सकया कि सारी पार्लीमेंट इनू कंडेम करे और कल्ले सिखा तो नहीं सारी दुनिया के अमृतसर लोगों तो माफ़ी मंगे और ये नाल कहा जाए कि जेडे कल्परट हैं उन्होंने बारे दोबारा इनकुआरी होकर सज़ा मिले। मैं एको अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट साड़ी तो दुनिया भर में बड़ी कदर है और जो गुजरात बारे सुप्रीम कोर्ट कर रही है लोग वाह वाह कर रहे हैं पर जो साड़ी वारी आती है तो कुछ नहीं होया। सो इस करके कचहरियाँ भी और लोग भी और सरकार भी जब तक इसलिए कमिटेड नहीं होणगियां ये साडा मसला चलता रहेगा और दुनिया भर में कल्ले सिख नहीं हर वो आदमी जिहड़ा कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नूं पछाणदा वो इसलिए साढ़े नाल खड़ा होएगा। अज हर पार्लीमेंट दुनिया की जो जो रेजोल्यूशन पेश हो रहे हैं पर लोड़ है इंडियन पार्लीमेंट खुद पास करे। जो 4000 लोग मरे ने तुसी उन्हां दी फैमिलीज़ नूं पुछो कदी उह भुल सकदे उन्हां नाल की होया। अगर साडी कौम भुल जाएगी अगर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री भुल जाएंगे कि होया तो फिर दोबारा दोबारा रिपीट होता रहेगा। द रीज़न वी आर कैरिंग आउट दिस प्रेजेंटेशन इज़ टू सेंड अ मैसेज कि असी कदी नहीं भुलांगे की होया। असी ना 84 भुलांगे ना असी 2002 गुजरात भुलांगे ना असी 2008 भुलांगे असी कोई भी कम्यूनल वायलेंस नहीं भुलांगे एंड वी आर गोइंग टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल एंड टिल द पनिशमेंट इज मेटेड आउट।